नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संदीप है। मैसी कंपनी की तरफ से आज मैं आपको जो मैसी की नई डायनाट्रैक सीरीज़ लॉन्च हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैसी में हमने डायनाट्रैक सीरीज़ में 241, 244, 246 तीन ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं। 241 42 हॉर्स पावर, 244 44 हॉर्स पावर, 246 46 हॉर्स पावर। 241 में हम सिर्फ टू व्हील ड्राइव उपलब्ध करवाते हैं, 244 में फोर व्हील ड्राइव और 246 जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों उपलब्ध करवाते हैं। अब इसमें ऐसे हमने कौन से ऐसे फीचर दिए हैं जो भारत में ना सिर्फ मैसी बल्कि किसी भी कंपनी में पहले नहीं दिए गए हों, ऐसे फीचर हमने इसमें दिए हैं, तभी तो हमने इसका नाम रखा है भारत का नहीं बल्कि ट्रैक्टरों में सबसे बड़ा ऑलराउंडर मैसी का डायनाट्रैक सीरीज़। तो आइए देखते हैं इसमें हमने कैसे कौन से फीचर दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट बम्पर जो कंपनी की तरफ से फिटेड आता है, इस पर आप 100 केजी तक और एक्स्ट्रा वेट लगा सकते हैं ताकि आपका अगर कोई भारी काम है तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके फ्रंट एक्सल जो कि पूरी तरह सील्ड है, इसको इसमें ग्रीस पूरा उसके अंदर ही रहता है ताकि मिट्टी पानी जाने का इसमें कोई भी खतरा नहीं रहता। तो इसमें भी प्लेनेटरी ड्राइव जो टेक्नोलॉजी पिछले हिस्से में है वही सेम प्लेनेटरी ड्राइव टेक्नोलॉजी हमने आगे भी दे रखी है, इसलिए हमारा फोर व्हील ड्राइव दूसरे ट्रैक्टरों से अलग भी है और ये आपको मेंटेनेंस से भी बचाता है। टायरों की बात करें तो 8-18 के इसमें हमने टायर दिए हैं जो कि हाई लक्स टायर हैं, जिसमें आप जैसे धान की खेती में कद्दू वगैरह करते हैं उसमें हो गया या कोई भी भारी काम कर रहे हैं तो आपको ये हाई लक्स टायर जो होते हैं ये आपको ना सिर्फ इसकी ट्रैक्टर की ट्रैक्शन यानी ज़मीन से पकड़ बनाए रखते हैं बल्कि ट्रैक्टर को स्लिप मारने से बचाते हैं और इसमें डीजल की आपको बचत होती है। आगे अपन इसकी बात करें डायनाट्रैक सीरीज़ की, तो वही सिम्पसन का हमने इंजन दिया है 3 सिलेंडर जो कम रेस पे 15 से 18 की रेस पे अपनी पूरी ताकत बना देता है जो इसको 40 हॉर्स पावर बनानी होती है। और वो मैसी की मिनलॉस टेक्नोलॉजी जो कि प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी है जिसमें 46 से लेकर लगभग 95% अपनी ताकत पीछे तक पहुंचा देता है क्योंकि मिनलॉस टेक्नोलॉजी इसमें लगी होती है, जिससे किसान को ये फ़ायदा है कि लगभग पूरी ताकत जो इंजन बनाता है उतनी ताकत पीछे पहुंच जाती है। अगर हम इसकी बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस ये ट्रैक्टर 400 mm ऊंचा है जो कि आप किसी छोटी खड़ी फसल पे भी खरपतवार के लिए चलाते हैं या कोई भी क्यारी में या कहीं भी ट्रॉली में, ताकि नीचे से टच करने का डर ना रहे। इसके अलावा अगर हम इसकी कंफर्ट और सीटिंग की व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें हमने बहुत ही बेहतरीन सीटिंग व्यवस्था दी हुई है। सेरा मेटलिक का डायफ्राम क्लच है जो बिल्कुल मक्खन की तरह है, आप देख सकते हो। जो ड्राइवर 10-12 घंटे में बाकी ट्रैक्टरों पे थक जाते हैं इसमें कहीं भी उसको थकावट की गुंजाइश ही नहीं होगी। जहाँ तक गियर्स की बात है, गियर्स का आप देखिए हाई लो मीडियम हमने इस तरफ दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 हमने लॉजिकल शिफ्ट के साथ इस तरफ दिया हुआ है। इसमें आपको 12 आगे और 12 पीछे ये हमने इसमें सुपर सेटल गियर बॉक्स लगाया हुआ है, जिसमें आपने मान लीजिए हाई में पहला गियर लगाया हुआ है तो वहीं से आप इसमें पीछे सुपर सेटल गियर लगा दीजिए, आपका ट्रैक्टर को मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे लेवलर का काम हो गया, लोडर का काम हो गया, उसमें आपको पीछे लाने के लिए मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ सुपर सेटल से ये काम कर सकते हो। तो 12+12 गियर के साथ हमने ये जो है दिया हुआ है, जो कि आप ये इसमें पावर स्टीयरिंग के साथ हमने इसमें दिया है। यहीं पे आप इसमें देखोगे डिजिटल मीटर दिया हुआ है, चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, यहीं पे चार्जिंग के लिए हमने दिया हुआ है इसमें, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे वाटर बोतल रखने के लिए 2 लीटर तक की बोतल किसान भाई इसमें रख सकते हैं खेत में जाते समय। और ये इसकी खास बात है कि हमने 42 हॉर्स पावर से पहली बार ABC गियर बॉक्स ट्रैक्टरों में दे दिया है जो कि 42, 44, 46 हॉर्स पावर में आप इसमें ले सकते हो। जहाँ तक हम इसमें पिछले हिस्से की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि पिछले हिस्से में फ्लैट एक्सल दिया हुआ है, फ्लैट एक्सल के साथ में हिच हमारी कंपनी की तरफ से लगी आती है। टेलीस्कोपिक इस बार हमने इसमें जो है अपनी लिंक दी है ताकि इसमें कुछ भी कीचड़ वगैरह फंसने का डर ना रहे। जहाँ तक पिछले हिस्से का सवाल है, ये अल्ट्रा पीडी टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जितना भी आप भारी या हैवी काम करोगे तो इस कड़ा पिनियन के दोनों तरफ 3-3 प्लेनेटरी गियर और लगे हुए हैं, जो मान लीजिए टायर से अगर 100 किलो का भी झटका आया तो यहाँ सिर्फ 33% पहुँच पाता है, जिसको ये आसानी से झेल लेता है। तो पिछला हिस्सा टूटने फूटने का किसी भी हालात में कोई भी डर नहीं रहेगा। इसी के साथ हमने इसमें मैक्स YV ब्रेक दिए हैं, जिसमें 3-3 डिस्क लगे हुए हैं दोनों तरफ, जो कि
आप ढुलाई का काम करें चाहे खेती का काम करें, जहां ट्रैक्टर रोकना चाहे आप अपना सेफ्टी के साथ रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एक और खास फीचर की बात करें जो कि क्वाड्रा पीटीओ, ये किसानों की बहुत समय से डिमांड होती थी कि कुछ ट्रैक्टर में रिवर्स पीटीओ आता था, कुछ में ग्राउंड स्पीड आता था, कुछ में मल्टी स्पीड आता था। लेकिन हमने पहली बार क्या किया है कि जिस पे रोटावेटर चलता है वो लाइव पीटीओ तो हमने इसमें दिया ही दिया है, जिस पे थ्रेसर चलता है, अल्टरनेटर चलता है, वो भी मल्टी स्पीड पीटीओ से हमने दिया है। फायदा क्या होगा कि आप 95 से लेकर 995 तक जिस चक्कर में आपका काम हो रहा है वो आप उस चक्कर पे चलाइए, ताकि आपका डीजल की भी बचत हो और साथ में आपको ज़्यादा आरपीएम पे चलाने के कारण कोई और नुकसान भी ना हो। जहाँ तक ग्राउंड स्पीड पीटीओ की बात है, जैसे आलू बोने की मशीन है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब आपका ट्रैक्टर चल रहा होता है और आप चाहते हैं कि गियर के साथ पीछे पीटीओ का चक्कर भी चेंज होता रहे, तो उसको हम ग्राउंड स्पीड पीटीओ बोलते हैं। तो इसके लिए लीवर भी हमने अलग से दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप चारों तरह के पीटीओ पहली बार ट्रैक्टर में आपको मिलने जा रहे हैं। तो जहाँ तक इसमें लिफ्ट का सवाल है, ये मैसी की डायना लिफ्ट इसमें लगी हुई है। 2 टन तक वजन आप इसमें उठा सकते हैं बड़ी आसानी से। 25 LPM का हमने इसमें पंप दिया हुआ है, ताकि आपका काम फटाफट हो। ट्रॉली या ऐसा कोई भी जो सिस्टम आपने हाइड्रोलिक के थ्रू पीछे जोड़ रखा है, वो बार बार आप जल्दी जल्दी अपना काम खत्म होए, ताकि जल्दी जल्दी आप चक्कर लगा पाएं, उतना आप किराए का काम भी ज़्यादा कर पाएं। जहाँ तक पीटीओ की हाइट की बात है, ये भी काफ़ी अच्छी हाइट पे हमने दिया है, ताकि आजकल जिस हिसाब से ऊंची थ्रेसर आती हैं और आती हैं उसमें आपको जोड़ने में कोई समस्या नहीं आए। एक जो स्पेशल इसमें डायनाट्रैक सीरीज में हमने पहली बार फीचर दिया जो भारत में किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है, कि आप इस एक्सेल से उस एक्सेल की जो लंबाई है 1935 mm, उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी 100 mm इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो फंक्शन हमने 4-व्हील ड्राइव में, क्योंकि आगे वाला हिस्सा पहले से भारी होता है, 2-व्हील ड्राइव में ऑप्शन दिया है। तो 241 2-व्हील ड्राइव, 246 2-व्हील ड्राइव में आप ये फंक्शन ले सकते हैं, जिसमें आपका एक्सटेंडेबल व्हील बेस आप और बढ़ा सकते हैं। अपना खेती में चला रहे हैं तो यही रखिए, ट्रॉली में चला रहे हैं तो थोड़ा 100 mm और बढ़ा के, ताकि आपका ट्रैक्टर आगे से उठने की समस्या ना रहे। तो ये बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर हैं जो एक्सटेंडेबल व्हील बेस है, क्वाड्रा पीटीओ है, आपका जो है अपना सुपर सेटल है, ऐसे बहुत सारे डायनाट्रैक में हमने पहली बार फीचर दिए हैं, जो ढुलाई हो चाहे खेती हो आपका कोई काम नहीं रुकने वाला, इतना दमदार ट्रैक्टर हमने बनाया है। तो उम्मीद है सभी भाइयों को पसंद आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा के किसी भी नज़दीकी डीलरशिप पे जाएं, सब जगह हमारा लगभग स्टॉक अवेलेबल है। आप वहाँ पे अपने डीलर साहब से इस पे जो भी स्कीम चल रही है, जो भी कंसेशन चल रही है, जो भी इसका रेट चल रहा है, और ज़्यादा फीचरों के बारे में डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।